हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोर्थ स्टैंडर्ड की नाइन्थ पोयम, जिसका नाम है टाइम फॉर एवरीथिंग। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है हिंदी में, तो मेरे हिंदी के मिस्टेक्स को भूल जाइए दोस्तों, कि ये क्योंकि ये पहली वीडियो है मेरी हिंदी में। तो चलिए, लेट्स बिगिन हियर। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, I want to introduce myself with you. I am Mohit Pandey and you are watching Trendy Chat. So guys, जल्दी से हम अपने टेक्स्ट बुक निकाल लेते हैं और आ जाइए आप भी नाइन्थ लेसन पे, जिसका नाम है टाइम फॉर एवरीथिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पोयम पढ़ के सुना देता हूँ। तो दोस्तों, पोयम इस तरह से है। There's a time to run and a time to walk. There's a time for silence, a time for talk. There's a time for work and a time for play. There's a time for sleep at the close of day. There's a time for everything you do, for children and for grown-ups too. And a time to stand up and a time to sit, but see that time and actions fit. तो दोस्तों, इस तरीके से हम पोएम पढ़ सकते हैं। तो अब दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या है इन शब्दों या फिर सेंटेंसों का मीनिंग। तो ये दोस्तों, पहले मैं चार लाइन्स की बताता हूँ, फिर उसके बाद चार लाइन्स की बताऊंगा। तो पहले देखते हैं, There's a time to run and a time to walk. दोस्तों, यहाँ हमें कवि कहना चाहते हैं, एक सही समय होता है दौड़ने का और एक सही समय होता है चलने का। तो इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना है, कब हमें अपना काम तेजी से करना है और कब हमें अपना काम सही समय या फिर मध्यम गति से करना है, मतलब जैसा हम डेली काम करते हैं उस तरीके से करना है। तो ये था पहले सेंटेंस का मीनिंग। तो चलिए दूसरे लाइन को देखते हैं, There's a time for silence and time to talk. तो दोस्तों, इस लाइन का मतलब ये है, कवि कहना चाहते हैं कि एक समय होता है जहाँ पे हमें शांत रहना होता है। जैसे मान लीजिए, ऐसे बहुत से परिस्थितियां होते हैं, जैसे कोई बड़े बात कर रहे होते हैं तब हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि पहले बड़ों को अपनी बात पूरी रखने का मौका देना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। और दूसरे उसी लाइन में जैसा कि शीर्ष लेखक ने कहा है कि देयर्स अ राइट टाइम फॉर अ टॉक, मतलब इनका मतलब ये कहना चाह रहे हैं, एक सही समय होता है बात करने का भी। जिस तरह से मैंने पहले बताया, जब बड़े बात कर रहे हैं उनको पहले अपने बात रखने दीजिए, जब उनकी बात खत्म हो जाएगी उस समय आप अपने विचार या फिर आपके जो बात रहेगा या फिर आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा उसके खिलाफ, तो उसके बाद दिया करिए, पहले ही बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। दोस्तों, इस मीनिंग का, ये लाइन का ये मीनिंग था। तो दोस्तों, अगली लाइन पे चलते हैं, देयर इज अ टाइम फॉर स्लीप एट द क्लोज ऑफ डे। तो जैसा कि दोस्तों, हर एक चीज का जैसे कि सही वक्त रहता है, तो उसी तरीके से पोएट हमें कहना चाहते हैं कि एक सही समय होता है सोने का भी एट द क्लोज ऑफ डे, मतलब जब दिन का अंत होता है वो एक समय सही समय होता है हमारे सोने का। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी होता है दोस्तों, एक सही समय होता है जहां पे हमें रेस्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे बुढ़ापा, आपने सुना होगा ओल्ड एज में क्या होता है कि अब हमारे शरीर ठीक से काम नहीं करते, मतलब हम धीरे धीरे बूढ़े हो जाते थे, वो समय होता है असली रेस्ट करने का। तो इस लाइन का अर्थ ये था दोस्तों। तो दोस्तों, बात तो हो गई ये पहले चार लाइन्स की, अब देखते हैं अगले चार लाइन्स क्या कहना चाहेंगे। तो अगले लाइन्स पढ़ देता हूँ दोस्तों आपके लिए, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू। दोस्तों, इस लाइन का ये मतलब होता है कि आप सोचिए, कोई भी काम कर दे अपने डेली लाइफ में या फिर डेली रूटीन में कोई भी काम कर दे, तो किसी भी काम के लिए एक सही टाइम फिक्स रहना चाहिए। जैसे कि हम 5 बजे या फिर 6 बजे आप उठते हो, फिर सीधे जाते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, इस तरीके से आपका जो फिक्स टाइम है वो हर एक वर्क के लिए होना चाहिए, क्योंकि हर एक काम के लिए एक सही टाइम रहता है। जैसे कि आप स्कूल जाते हो 7 बजे, फिर आते हो फिर 12 बजे, तो ऐसा कोई फिक्स टाइम होता है। तो इस लाइन के मदद से पोएट कहना चाहते हैं, हर एक चीज के लिए एक सही टाइम होता है, बस हमें हमेशा उस टाइम को अच्छे से समझना चाहिए। अगली लाइन पे चलते हैं दोस्तों। अगली लाइन कहता है, फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर ग्रोन अप्स टू। दोस्तों, जैसे कि मैं बताया, हर एक काम के लिए एक सही समय होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं वो सिर्फ हमारे बच्चों के लिए ही होगा या फिर आपके लिए ही होगा, वो सभी के लिए समान होता है, बस उनके काम अलग अलग होते हैं। जैसे कोई बड़ा आदमी है, बड़ा व्यक्ति है, उनके लिए भी कोई काम होंगे जो वो फिक्स टाइम ही होगा, उसी टाइम पे उनके लिए भी वो सही काम होता होगा। इसी तरह से ये पोएट, इस लाइन से हमें पोएट कहना चाहते हैं कि हर एक काम के लिए, वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सभी के लिए सेम रहता है, बस उनके काम अलग अलग होते हैं। तो अगली लाइन में चलते हैं मित्रों,
फिर अगली लाइन कहता है अ टाइम टू स्टैंड अप एंड टाइम एंड अ टाइम टू सिट। तो दोस्तों इस लाइन से हमें ये पता चलता है, मान लीजिए आप कहीं ट्रेन या फिर बस में गए तो वहां पे एक सही समय होता है आपको खड़े रहने का। मान लीजिए आपसे कोई बुजुर्ग खड़े हैं तो उनको आप सीट दे सकते हो अपना, तो जो सही समय होता है खड़ा होने का वो भी आपको परखना आना चाहिए। उसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है, हमें कुन या फिर आप कह सकते कुछ समय या फिर ऐसे कोई परिस्थिति बन जाती है जहां पे हमें खुद से खड़े होकर अपना काम करना पड़ता है, कोई हमारी मदद नहीं करता, इस लाइन का ये मतलब था। और जब बैठना होगा तो वो एक सही समय होता है दोस्तों बैठने का भी। मान लीजिए आपसे कोई बड़ा यंग एज का है वो अगर खड़ा रह सकता है तो आप बैठ सकते हो, मान लीजिए, या फिर आपका कोई छोटा भाई वो साइकिल सीख रहा है तो आप मान लीजिए एक बार हेल्प करोगे उसकी, दूसरी बार भी हेल्प करोगे, लेकिन तीसरे टाइम आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो खुद से नहीं सीखेगा तब तक तो उसे नहीं आएगा साइकिल चलाना। तो इस तरीके से एक सही समय होता है बैठने का भी और खड़े होने का भी, इस लाइन का ये अर्थ था दोस्तों। तो अब चलते हैं हमारे लास्ट लाइन की तरफ, बट सी दैट द टाइम एंड एक्शन फिट। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात कही है पोएट ने, क्योंकि हर एक काम करने के लिए एक सही टाइम तो होना जरूरी है, ये जैसे कि हम जानते हैं, लेकिन वो काम इस तरीके से हो जो हमारे डेली रूटीन और हमें फिट आए, मतलब हम उससे खुश हो, ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती ही कोई काम कर रहे होंगे। जैसे कि अगर हम हमारे टाइम के हिसाब से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके सारे काम आपके हिसाब से होने चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मान लीजिए आप 5 बजे उठते हो तो अब सीधा 8 बजे उठो, ऐसा नहीं, जो सही टाइम रहता है जिस काम का वो उसी टाइम पे चलने दीजिए, लेकिन काम ऐसे करिए जो आपके दिल को आपके मन को शांति दे। तो दोस्तों ये था इस पोयम का मीनिंग। तो दोस्तों कैसा लगा ये पोयम मेरे तरफ से, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के और पोयम्स और टेक्स्ट बुक के अमेजिंग फीचर्स अगर आपको जानने हैं तो आने वाली वीडियोस में मैं और सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड विद अस एंड टेक अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस।